हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसका टाइटल है फ्रैंकली स्पीकिंग विद राज ठाकरे, फुल इंटरव्यू, अर्णव गोस्वामी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का वीडियो, बिकॉज दोनों ही बहुत ही अच्छे बोलने वाले हैं, कमाल का बोलते हैं। अर्णव गोस्वामी को कौन नहीं जानता और राज ठाकरे को कौन नहीं जानता। तो देखते हैं दोनों के बीच में जो इंटरव्यू हुई उसमें क्या हुआ। काफी पुरानी है तो देखते हैं कि किसने क्या बोला। राइट, आई मीन स्पेशली आजकल के माहौल में जब जो है अर्णव गोस्वामी को मतलब पकड़ लिया है और उनको बेल नहीं मिल रही है, तो वो मुझे भी थोड़ा अनयूजल लग रहा है कि आप बेल क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो नॉर्मली बेल डिनाई तब होती है जब आपको ऐसा शंका होती है कि कोई इंसान भाग जाएगा कहीं या कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं करेगा। तो इस वक्त मुझे पता नहीं है कि बेल जो है डिनाई क्यों करी जा रही है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी दबाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह, अगर किसी ने कोई क्राइम भी किया है तो ठीक है, आप केस करिए और उसके बाद वो बंदा जाएगा केस लड़ेगा, मगर इस तरीके से जेल में डालना समझ नहीं आता। क्योंकि लॉ तो यही कहता है कि पुलिस को जो है बेल देती है जिससे आप प्रिपेयर कर सकें लॉ के लिए, आप प्रिपेयर कर सकें अपने कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। तो और नॉर्मली तभी पकड़ा जाता है अगर डर है किसी इंसान का भागने का। तो मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, और आई होप कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो और पता चले एग्जैक्टली कि क्या होता है। Yes, पर अभी लेटेस्ट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब वो जाएंगे और वहां पे अब बेल का मेरे ख्याल से वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज ठाकरे, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू वंस अगेन ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। इंग्लिश हिंदी मिक्स इफ इट इज ऑल राइट विथ यू। तो राज, आपसे पहला सवाल यह है कि लगता है कि इस बार आपने काफी कॉम्प्रोमाइज आपने कर ली। कॉम्प्रोमाइज? यू कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस इलेक्शन। क्या? इन अ बिग वे। क्या किया मैंने? यू आर ओनली कंटेस्टिंग 10 सीट्स आउट ऑफ 48 सीट्स इन महाराष्ट्र, दैट्स द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज। नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम जब 2009 में इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने 11 ही सीटें लड़ी थी। बट पार्टी सपोज टू ग्रो। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना, पहले मुझे रिजल्ट तो देने दो। 48 जगह पे, 48 जगह पे मैं उम्मीदवार खड़े कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ जगहों पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे पहले रिजल्ट दिखाने हैं। रिजल्ट दिखा के मैं आगे जाऊंगा ना। That means you lack the confidence. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। आप जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, अभी आप शायद न्यूज़पेपर में भी आपने शायद काम किया होगा, मालूम नहीं मुझे जी, लेकिन उसके सारे एडिशन आप इमीडिएटली नहीं निकालते ना, भले आपके पास कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो। वैसे पार्टी एक ग्रो होती है, बड़ी होती है, और करते करते आज एक स्टेप ली, कल दूसरी स्टेप ली, परसों तीसरी स्टेप ली, और लोकसभा की इलेक्शंस है। मुझे लगता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, उसके हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी 11 सीटें लड़ी थी, इस टाइम भी मैंने 10 सीटें लड़ी। ज्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होता, कितनी सीटें चुन के आती हैं उसके ऊपर होता है ना। ग्रोथ तो होती है एक पार्टी की। हाँ, तो होती है ना। पिछले बार आप यू फाइट 11 सीट्स लास्ट टाइम, दिस टाइम यू फाइट 10 सीट्स, तो उससे क्या होता है? पीपल एक्सपेक्ट द फुटप्रिंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी टू ग्रो। पीपल एक्सपेक्ट द एम्बिशंस ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू ग्रो। दे आर नॉट सपोज टू डी ग्रो। मुझे लगता है कि यू टर्न की बात नहीं होती, मुझे लगता है कि रिजल्ट के ऊपर सारा निर्भर होता है कि कितने सांसद आपके चुन के आए, कितने विधायक आपके चुन के आए, इसके ऊपर होता है। कितनी सीटें लड़ी, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मगर लोग जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शन टू हेल्प द बीजेपी। नहीं बाबा, क्या हेल्प करना है? लास्ट टाइम, लास्ट इलेक्शन तो ये इशू भी नहीं था, तभी मैंने इतनी सीटें लड़ी थी। इस बार तो है ना, इस बार होगा तो लोगों के लिए होगा। स्टैटिस्टिक्स पिछले बार और इस बार के बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी को लेकर।
कंपेयर टू 2009 नो वन मिनट पिछले बार यू फॉट 11 सीट्स आउट ऑफ द 11 सीट्स 5 सीट्स वर अगेंस्ट द बीजेपी यू स्पॉइल्ड द बीजेपीज चांसेस This time, how many people have you fielded against the BJP? नहीं, spoil की बात ही नहीं। How many people have you fielded against the BJP? Spoil की बात ही नहीं है इसमें। मेरी एक political party है, मैं election लड़ता हूँ और मैं मेरे हिसाब से election लड़ता हूँ। किसको क्या सोचना है, वो उनकी सोच रही। इसको spoil किया, उसको spoil किया, ऐसे थोड़ी होता है। मैं हर वक्त बोलता हूँ, आप लोग जब हमें सवाल पूछते हैं ना कि ये spoil किया, आप सारे मिलके एक पहले चैनल चलाओ। इतने चैनल जो सर्फिंग करते रहते हैं ना हम लोग, उसके बजाय एक चैनल निकालो आप, जो एडवर्टाइजिंग वाले जो होंगे ना उनको भी ठीक लगेगा, हमको भी ठीक लगेगा। इसका कोई रेलेवेंस? ऑफ कोर्स है, कोई रेलेवेंस? ऑफ कोर्स है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आपने आप एक बताइए, जो व्यूअर्स है हमें उनको बताइए कि आपने इस बार सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट फील्ड किया है, वो भी पूना से। दो या एक? दो। पिछले बार कितने थे? 5। तो आप why are you helping the BJP? बीजेपी को हेल्प करने की बात ही नहीं है इसमें, अदरवाइज मैं दो जगह पे भी खड़ा नहीं करता। अगर हेल्प ही करनी है तो मैं पूरी कर लेता। सीक्रेटली हेल्प कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है? क्या होता है राजनीति के बारे में जब आप लोग देखते हैं तो हर एक आपको सब कुछ लगता है कि सब एक कुछ अंदर से चल रहा है, कुछ किसी कोई बात चल रही है। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं, मेरी जो भी कोई चीज है तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लोगों के सामने रख दूंगा। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लगे कि राज तुमने अंदर से ये चीज की, बताइए मुझे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीजेपी के साथ, ये लोग, आप लोग हैं, ये लोग कौन? सारे लोग हैं, सारे दर्शक हैं। अच्छा, अच्छा? सारे चैनल से सबको एक ही सवाल है, क्या बात कि राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने सपोर्ट किया, या मैंने कहा कि मेरे सांसद चुन के आएंगे तब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी क्यों कहा? क्या नरेंद्र मोदी ने मांगा आपसे? मांगने की क्या बात होती है? जब गुजरात में ये कहा था, जब मैं गुजरात के टूर पे था 2011 में, और तब मुझे वहां के गुजरात के प्रेस वालों ने पूछा था, तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तब किसी ने कहा नहीं कि यार तुम क्यों बोल रहे हो। उसके बाद आपने लाइन बदल ली थी, आप भूल गए उस बात। क्या लाइन बदल ली? आपने लाइन बदल ली थी। क्या बताइए? आपके हर एक स्टेटमेंट मेरे पास है, हर एक स्टेटमेंट आपका मेरे पास। बताओ क्या लाइन बदली? तो राज ठाकरे जी, अगर मैं अभी प्रूफ कर लूं कि आपने अपनी लाइन बदली है तो आप मान लेंगे कि आपने अपना? मुझे मालूम मैंने लाइन बदली नहीं है, मैं प्रूफ करता हूं कि आपने। करो, बताओ मुझे। जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ू आप? बिल्कुल। फिर मत कहिए कि ये स्टेटमेंट नहीं। ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। जनवरी के 9 तारीख को आपने कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये मत कही कि ट्रांसलेशन गलत है। नहीं, वो तो आप बात कर रहे हैं। द डे नरेंद्र मोदी वाज नॉमिनेटेड बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ही शुड हैव क्विट एज चीफ मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द एंटायर कंट्री एंड नॉट ऑफ अ स्टेट। ये क्रिटिसिज्म नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये क्रिटिसिज्म आपको लगता है? क्रिटिसिज्म? ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए। बात यह है कि मैंने कहा कि इस देश के अगर नेता बनना है या देश के प्रधानमंत्री बनना है तो किसी स्टेट में ना रह के आप पूरे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बनो। जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये स्टेट के लेबल लेके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जी, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देश का होना चाहिए। जी, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, इंदिरा जी, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, नहीं वो चून के कहां से आते हैं वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो देश के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता, ऐसे मैं चाहता हूं कि देश के नेता करके उभर के आए नरेंद्र मोदी जी, किसी गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिखता। तो क्या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा? वो उनकी बात है, मैंने एक सलाह दी थी। आपके सलाह को तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं, तो ना करें। फिर भी आपने समर्थन दिया? अरे समर्थन की बात उनके काम से है, रेजिग्नेशन से नहीं है। उन्होंने जो गुजरात में काम किया है, जो मैंने खुद जाके देखा है, जो और किसी ने जाके देखा भी नहीं, आपने भी नहीं, उस काम का मैं प्रशंसक हूं, उसके हिसाब से मैंने उनको समर्थन दे दिया। बहुत ही अजीब अरेंजमेंट है राज ठाकरे जी की, कोई एक व्यक्ति को सपोर्ट करे पार्टी को नहीं, अपने व्यक्ति को लेके भी
एक दिन कुछ और बात करे, दूसरे दिन कुछ और बात करे, तीसरे दिन कुछ और ऐसे बात मैं, करे। आज तक मैंने कभी किया नहीं है, और ऐसी बात भी मत करना कि मैंने आज एक बताया और दूसरे दिन दूसरा बताया। मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट बताओ, दूसरा स्टेटमेंट, फिर मेरे पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो भी कुछ है, उर्दू भी हो चलेगा जी। Gujaratis live in Mumbai but take away all that they earn to Gujarat and make that state prosperous. So why live here? Go back to Gujarat. ये कब मैंने कहा था? Addressing a convention of senior citizens in Mumbai in February. ये मेरा statement नहीं है। आप बदलने, आप कह रहे हैं ये मेरा statement नहीं है। उसका footage मेरे पास है, मैं आपको footage दिखा सकता हूँ। उसके आगे जाते हुए आपने और एक बात कही। आपने directly इस बार February में, यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि January में आपकी relationship थोड़ी खराब है। जो मैं एनालाइज कर रहा हूं कि जनवरी में आपकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब थी, किससे? मोदी जी और बीजेपी के साथ। एक मेरा एनालिसिस है, फरवरी में और बिगड़ गई क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट कहा, व्हाई डिड ही नॉट मेंशन बाला साहेब्स नेम इन हिज स्पीच इन मुंबई। दिस इज डिस्पाइट बोथ द पार्टीज बीइंग एलाइज फॉर सो मेनी इयर्स। सो व्हाट इज मुंबई फॉर महाराष्ट्रियंस? If Mumbai is a maternal home for Gujaratis, what is Mumbai for Maharashtrians? बिल्कुल। He is just unnecessarily bringing up the issue of the Samyukt Maharashtra movement. बिल्कुल। Second time criticize किया आपने। देखिए बात, आप दो चीजें, ऐसे नहीं होता। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, ये करेक्ट है। ये जो कहा, ये मैंने कहा है। ये क्रिटिसिज्म की ना आपने? ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आप समझ लीजिए, जब आप यहाँ पे मुंबई में आके जब आप बात करते हो और बात करने के बाद बोलते हो कि गुजरातियों के लिए मुंबई उनका मैका है, तो गुजरात क्या है? ससुराल? जिस चीज के लिए संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ था, वही चीज वापस निकालने की क्या जरूरत है? बाला साहेब का नाम लिया मोदी ने उसके बाद? मोदी जी ने इसके बाद बाला साहेब का नाम लिया? कुछ लिया, रिस्पॉन्स लिया? आपको लगता है आपके, नहीं, आपके बयान के कारण? अरे मैं थोड़ी चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वो कहे या करे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं राज ठाकरे जी, आप एक समझ नहीं रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, मुझे कोई अगर कुछ चीज अगर ठीक नहीं लगे तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? जरूर, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो हर एक स्टेटमेंट करें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके करें, मगर कोई तो लिंक हो। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट है, आपने 9 जनवरी को एक बात कही जो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म है। क्या? जो मैंने पढ़ के आपको बताया कि उनको क्विट करना था। फरवरी में आपने कही फिर से, देखिए वो भी क्रिटिसिज्म। देखिए मैं तो जरा मुझे ये बताइए राज ठाकरे जी कि 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें हैं। 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें हैं। आपने अपनी लाइन बदल ली। उनके काम का मैं प्रशंसक हूं, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री के लिए मैं समर्थन दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक स्टेटमेंट को मैं समर्थन देते जाऊं। अगर उनका स्टेटमेंट कुछ मुझे गलत लगे तो उसके ऊपर बात करना ये मेरा काम है। आपने सारे देश के फ्यूचर को नरेंद्र मोदी के साथ लिंक कर दिया 9 मार्च को। क्या आपने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड है? आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है? मैं इस सब बातें पे कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं करेंगे? मैं इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ भी करें। कोई मुझे ये कहे कि कोई मुझे ये कहे कि आपने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया कि आपको लगता है कि महाराष्ट्र के फ्यूचर गलत बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा? गुड। आज प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? दो, राहुल गांधी या तो नरेंद्र मोदी। तीसरे भी हो सकते हैं। कौन है? कौन है आप समझ रहे? दूसरे, तीसरे, चौथे नहीं है, कहीं हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, ममता बनर्जी हो सकती है। अरे मैं हिडन एजेंडा की, जयललिता हो, मैं हिडन एजेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। आज ओपनली कौन है? शरद पवार भी होर्डिंग पे कौन है? कांग्रेस से और बीजेपी से होर्डिंग पे कौन है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। ये होर्डिंग किसने बनाई? तो आपने बनाई हुई है होर्डिंग है ये? किसने कंपैरिजन किया? आपने बनाई हुई है कंपैरिजन? मैंने जी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा? उन पार्टियों ने लगाई हुई होर्डिंग जिसको आप बोल रहे हैं मैंने लगाई? एक होर्डिंग में तो दोनों लोगों की छवि जो आपने डाली हुई है। मैंने, आपने कहा कि देश के ओनली 2 ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है फिर? कांग्रेस के होर्डिंग पे राहुल गांधी है और बीजेपी के होर्डिंग पे नरेंद्र मोदी है। मैं तो वही देखूंगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं उसके पीछे भी और कुछ लोग हैं, तो क्या होर्डिंग के पीछे?
आप मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं बताइए। मेरे इंटरव्यू के बारे में छोड़िए, राज ठाकरे जी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंटरव्यू देख के डिसाइड करे कि मैं मोदी को सपोर्ट करूं कि राहुल गांधी को। इसको तो मैं मानता नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सीधे तरह से इसका जवाब दें कि आपका, और तीसरा स्टेटमेंट है ये भी इंग्लिश में, ये ना कहिए कि ये भी आप गलत ट्रांसलेशन है। कुछ स्टेटमेंट बताइए। वी विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। मोदी शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। Our MPs who get elected will support Narendra Modi. He should become the Prime Minister. For the sake of the country's future, all our MPs will support him. In the larger national interest, MNS MPs will support Modi's candidature for Prime Ministership. I feel that only Modi can provide a stable, strong and growth-oriented government to the country. 9 statements, one after the other. बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है जब राजनाथ जी कहते हैं? क्या? जो उन्होंने कहा आपको बुरा लगता है? तब मैं तो वो देखता भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, राजनाथ सिंह को थोड़ी किया। आपने नहीं, मैं क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इंडिविजुअल कैंडिडेट। अरे बीजेपी कैंडिडेट लेकिन उनके ऊपर ही पूरा प्रचार चल रहा है ना। एक मिनट, मोदी सरकार क्या है फिर? राजनाथ सिंह सरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी सरकार किस पार्टी की सरकार होगी? बीजेपी के तो बीजेपी को मोदी जी का नाम लेके सरकार की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, मगर बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा आपको खराब लगता है? मैं पढ़ूं? बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ूं? मैं मुझे मालूम है ना, मैं ध्यान भी नहीं देता क्योंकि मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को है, राजनाथ सिंह को है नहीं। और मैंने जो देखो, मैंने जो सपोर्ट किया है उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी को जो बात कर ले तो बात अलग है। राजनाथ सिंह जी ने बुरा मत मानिए राज ठाकरे जी। देखिए मैं सीधा प्रश्न करूंगा और कई बार आपसे बातचीत हुई है, आप भी सीधा जवाब दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि कोई भी आदमी ये समझेगा कि राज ठाकरे इज अ हैज बीन सीन टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। योर फुटप्रिंट मे बी स्मॉल, यू मे बी कंटेस्टिंग ओनली 10 or 11 सीट्स, बट यू आर कंसिडर्ड टू बी अमंग द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। यू से आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, अनकंडीशनल सपोर्ट of Narendra Modi. Right. Rajnath Singh comes and publicly shames you. And he says, we don't need your bin manga samarthan. Unka statement ye hai, sari rajniti partiyan ke Narendra Modi bhai ko samarthan denge. Are bhai, kahiye aap bina mange aap samarthan se pareshan hai? Yadi kisi ko samarthan dena hai, Bharatiya Janata Party ko samarthan dijiye. या तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स ही सेइंग वी डोंट नीड सच बिन मांगा समर्थन, वी डोंट नीड सच अनसोलिसिटेड सपोर्ट। आपको बुरा लगा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों बोला सर? बिल्कुल मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। अगर उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो नरेंद्र मोदी जी कर ले, राजनाथ सिंह ना करें। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने ये कहा है मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं। और अच्छे आदमी को, अगर अच्छा काम किए हुए आदमी को अगर मैंने समर्थन दिया, पकड़ लीजिए अगर मैं उस दिन ये स्टेटमेंट ना करता, चलो कौन सा स्टेटमेंट, कि नरेंद्र मोदी को मेरा समर्थन रहेगा जी, ओके, तो फिर आप बाद में मेरे को पूछते फिर आपका समर्थन किसको रहेगा, अंदर से कांग्रेस को? ये मैं नहीं पूछता, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से आप ही पूछेंगे। राज ठाकरे जी, बात यह है, राजनाथ सिंह ने बयान जो दिया है उन्होंने ये कहा है कि आप वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश में, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, वन मिनट, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, स्टॉप आस्किंग फॉर वोट्स बाय फेनिंग सपोर्ट टू मोदी। नाउ प्लीज, मैं आपसे मैं सवाल पूछता, आपने, आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसके बाद कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने पर्सनली राज ठाकरे को अटैक किया, ये राज ठाकरे ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया विदाउट कंडीशन, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन में एक भी बात, एक शब्द कही? आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुझे लगता है ये इंटरव्यू है, इंटरोगेशन नहीं है। आप बताइए ना मुझे, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा आपके समर्थन? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसके पहले भी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उनको पूछो,
जब मैंने जब बात की थी प्रधानमंत्री की गुजरात में, तब राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? तब और सिर्फ पुणे में नरेंद्र मोदी उम्मीदवार नहीं थे प्रधानमंत्री? एक मिनट, जब बने उनको बोलना चाहिए था कि हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग देख लेंगे, वो हमारी पार्टी की बात है, आप बोलने वाले कौन होते, तब क्यों नहीं बोले? क्योंकि तब मोदी जी स्ट्रांग में थे। आज क्यों बोल रहे हैं? और वो भी पुणे में क्यों बोल रहे हैं? आपको हड़काने के लिए, बिकॉज इट डायरेक्टली एविडेंट बात नहीं की उन्होंने, आज बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं तो क्योंकि आपने, और मुझे क्या करना है? सिंपल चीज है अर्नब, मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे सांसद चुन के आएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, दी एंड। ठीक है, वोटिंग फॉर द बीजेपी, दे आर नॉट वोटिंग फॉर नरेंद्र मोदी। कैंपेन नरेंद्र मोदी का चल रहा है, बीजेपी का नहीं। तुम पट्टी बांध के मत घूमो। हमने तो हर जगह पे मोदी चल रहा है, मोदी जी को देख के ही बीजेपी नहीं चल रही है, इसलिए मुरली मनोहर जोशी को स्टेटमेंट करना पड़ा। अगर मोदी चल रहा है तो एक बात आप मुझे बता, अगर मोदी 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 चल रहा है तो एक मिनट, तो राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों नहीं कहा कि देखिए कुछ भी हो, कुछ भी हो, इन्होंने नरेंद्र मोदी को 100% सपोर्ट दिया है, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब इन्होंने पब्लिक, मुझे मालूम नहीं आपके आपके चैनल पे ये बात चलती है या नहीं चलती, लेकिन कल के आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है, अगर कोई मुझे समर्थन करना चाहते हैं तो उसको मैं कैसे रोकूं? ये उनका स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं, रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से, मेरी बात है स्टेट नरेंद्र मोदी से, और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते, आगे कुछ होगा तो नहीं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे? एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गुस्सा हो रहे। गुस्सा नहीं हो रहा, आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप वही चीजें पूछ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो ये शक होगा राज ठाकरे जी, अब आपने लोगों को ये शक होगा राज ठाकरे जी कि आप अपने, बुरा मत मानिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं नरेंद्र मोदी इज व्यूज एंड राज ठाकरे इज व्यूज, I don't find any similarity on issues. मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिटिकल इश्यूज पे आपके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट कर रहे हो? कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी वांट्स माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क? आप उनको जाके पूछिए। नो नो, व्हाट डू यू मीन? वो आप उनको जाके पूछिए। मुझे लगता है कि देश को अगर कुछ अच्छी चीज लानी है, देश में कुछ सुधार लाना है, तो जिस आदमी ने प्रूव किया है अपने स्टेट में, वो अगर आदमी कैंडिडेट बनता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए जी। दैट्स इट, नाउ यू विल से दी एंड, बट आई एम गोना आस्क यू दिस, दैट उन्होंने 22 नवंबर को 2013 में एक स्टेटमेंट उन्होंने रखी, जो उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई तहसील नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में, जहां से युवक आके गुजरात में काम नहीं कर सकते और काम नहीं करते हैं। यानी कि ही सेज ऑल्सो, नो नो वन मिनट, ही सेज इफ गुजरात इज टूडे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, it is because of the workforce provided by the two states of Bihar and Uttar Pradesh. Now, in other words, his position is completely different, Raj Thackeray ji, from your position. तो गुजरात का population महाराष्ट्र से आधा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे काम करने के लिए लड़के हैं मराठी, यहाँ पे लोगों को बताया नहीं जाता काम है और कहाँ है, और वो इंडस्ट्री के लोग बाहर से लोग यहाँ पे लाते हैं, उसका तो विरोध करूंगा ही। आज उनको वहां पे पता नहीं चलेगा, शायद और 10 साल के बाद उनको भी पता चलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं, तो मैंने कल वही कहा कि अगर वो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी कल बने, तो वो अगर देश की तरफ ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड की तरफ देखे। नहीं नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, प्लीज लेट मी कंप्लीट, द इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, वन मिनट,
will close down immediately if these workers from Bihar and Uttar Pradesh return to their home states. In other words, he is saying, Raj Thackeray ji, bahut important point hai, koi broken record nahi hai, that industries in Maharashtra will close down immediately if workers from Bihar and Uttar Pradesh return home. My question is, do you agree with those? Mujhe lagta hai ki Maharashtra ki baat alag hai aur Gujarat ki baat alag hai. उन्होंने तो महाराष्ट्र के गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है, तो आप अग्री नहीं करते उनके? बिल्कुल नहीं. तो फिर सपोर्ट क्यों करते उनके? अरे क्या बात तुम्हें है? अर्नब क्या चाहिए क्या? Exactly. मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा. समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा. हाँ. क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है. एक आदमी ने एक स्टेट में अच्छा काम किया है, उसके ऊपर से मैं उस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूं. दैट्स इट. उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे और मेरे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, उनके कपड़े कौन से हैं, मेरे कलर कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट होता है. इज देयर अ मोदी वेव इन द कंट्री? होगी, है, लगता तो है. आप ही लोग दिखा रहे हैं. इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं. इज देयर अ मोदी? आई एम आस्किंग फॉर राज ठाकरे. एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या? क्या लग रहा है? वेव क्या लग रहा है? वेव है क्या लग रहा है? वेव है. आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं. आप तो, आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं? आप क्या रहे, वेव है क्या, ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे. अरे ऐसे थोड़ी होता है. आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं. आज गुस्सा तो बहुत हो रहे हैं आप. अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो. तो फ्रेंड्स, मजेदार है, काफी मजेदार है, बड़ा ही मजा आ रहा है देखने में. और मैंने मेन सबसे मजेदार बात प्लेस पे ना जो अभी रोका हुआ है, तो बाकी का तो सेकंड पार्ट पे देखेंगे, तो वेट करनी पड़ेगी. पर कमाल की इंटरव्यू सच्ची में यार. अर्नब जो है इतना उसी चीज को, पता नहीं है मैं गलत सोच रही हूँ या नहीं, कि बाबा पूछे कि आप मोदी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका अपना कोई फायदा है, ये है. मुझे लग रहा है उनको लग रहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि मैं शायद इनको जो राज ठाकरे हैं वो वोट ग्रैब करके जीतने के लिए मोदी का नाम लेके लोगों से वोट लेना चाहते हैं. मुझे ये लग रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप ये इसलिए कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. और जो राज ठाकरे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको ही सपोर्ट कर रहा हूँ, बीजेपी को नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने प्रूव कर दिया अपने स्टेट में अच्छा काम करके. तो जिसने अच्छा काम अपनी स्टेट में किया है, अपनी स्टेट को इतना डेवलप किया है, तो मुझे लगता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो कंट्री को भी वैसे ही डेवलप करके, अच्छा काम करके आगे बढ़ाएंगे. और बात तो ठीक है, उन्होंने आप देखो बनने के बाद मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं मैं एक इंसान को उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं और किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं. और बाबा अर्नब जो है वो बाबा वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंडिंग बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि अगर अब तुमने फिर से ये पूछा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने माइक उठा के बस कर देनी है, बंद कर देना है. और उसके बाद कह रहे हैं क्या तुम 10th क्लास से मॉन्टेसरी में चले गए? वो सबसे मजेदार था, कमाल का चल रहा है. आगे देखेंगे और पता करेंगे क्या होता है. राइट. सो इसमें ये है कि यही पॉइंट मेन था कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी कि आपके जो है विचार, आपकी जो आइडियोलॉजी है मोदी जी से नहीं मिलती. और वो प्रूफ करने के लिए उसने एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे आप वो बिलीव करते हैं कि गुजरात में जहाँ से भी लोग आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में अगर लोग आते हैं बाहर से. और मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वर्कर्स आप बंद कर दें तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा क्योंकि बाहर से वर्कर्स आए थे. तो मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं जहाँ से मर्जी आओ, तो मेरे स्टेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी है. और इनका थॉट है कि महाराष्ट्र में बाहर से नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो वो ये कह रहा है अर्नब कि अगर आइडियोलॉजी में डिफरेंस है तो तुम क्यों सपोर्ट करते हो मोदी जी को? क्या तुम अब इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि आप इसलिए सपोर्ट करते हो मोदी जी को जिससे आपको वोट मिल जाए, जिसे लोग कहें अच्छा ये भी सपोर्ट करता है मोदी जी को, तो इनको जो है इनकी पार्टी को वोट दे देते हैं. और वो ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, मैं सिंपल देख रहा हूं कि मोदी जी ने अच्छा कार्य किया गुजरात में, मुझे खुशी हुई, मैंने बोल दिया कि मैं आपकी आइडियोलॉजी मतलब मैं आपके लिए आपके तरफ हूं, मैं आपको एग्री करता हूं, मैं अपना समर्थन देता हूं, आई लाइक यू क्योंकि आप अच्छा काम करते. तो इसी बात में हो रही है कि अब इसमें जो है काफी
जो है ये कॉम्प्लेक्स बात है कि अब कोई भी इंसान जो है किसी के भी माइंड में नहीं जा सकता। एक तो ऑप्शन ये है कि उन्होंने वाकई बोला हो, भैया मेरे को एक बंदा अच्छा लगा, मैंने दो शब्द बोल दिए कि वो अच्छा है, उसके पीछे अब तुम पड़ गए मेरे, मैंने सिर्फ यही बोला कि मेरे को बंदा पसंद है भाई, उसने अच्छा काम किया, एंड ऑफ स्टोरी, अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, राइट। एक इतने से बोलने में, और वो यही कह रहे हैं कि पहले जब मैं बोला था तब क्यों नहीं बोला था, तो वो यही कह रहे हैं कि पहले से नहीं बोला था क्योंकि उस वक्त मोदी जी जो है सिर्फ अपनी स्टेट के थे लीडर, मगर अब पूरी इंडिया के लीडर हैं, तो इसलिए बीजेपी के लीडर हैं, तो भी इसलिए तुम अभी बोल रहे हो, तो लोग तुम्हारे पीछे आके बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है। और वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी तो मैच करती नहीं है, तुम फिर क्यों कह रहे हो। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से उन्होंने इसे भी देखा, देखिए ये मोदी जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम किए हैं, तो मैं समर्थन करता हूँ, बस इतना ही है। आइडियोलॉजी मिलती है नहीं मिलती, ये ऑफकोर्स हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है, तभी वो कह रहे हैं मेरी अपनी यूनिकनेस है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मगर ये डिबेट जो है अच्छी, जो बंदा ऐसे फ्रैंकली डिबेट के लिए आ गया उस बंदे में दम है, पहले राज ठाकरे जी में दम है, क्योंकि वो फ्रैंकली आ गए हैं कि तुम्हें जो पूछना पूछो मैं तुम्हें बोलता हूँ। हाँ, वो थोड़े अपसेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाबा वही बार बार, मगर जो है अपसेट क्योंकि अभी हर इंसान जब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करता है वो इस टाइप से होता है, विद एक्सपीरियंस। आपको जैसे एक्सपीरियंस आता है, जैसे आपकी एज बढ़ती है, तब आपको तरीके आ जाएंगे कैसे डॉज करते हैं, वो आपको देखना है। तो मोदी जी को देखिए, तो अगर आप सीनियर लीडर, मोस्टली मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आप इन सबको देखते हैं और उनकी जब इंटरव्यूज होती है तो किस तरीके से वो डॉज करते हैं चीज़ों को, वो उनसे पता लगता है। तो अभी ये ऑफकोर्स यंग हैं और अभी सीख रहे हैं, जैसे समय बीतेगा इनको भी आ जाएगा डॉज करना क्वेश्चन, उसको फिर ट्रू पॉलिटिशियन करते हैं, वो यहाँ की धार जो है मोड़ के इधर कर देता है धार, राइट। अभी ये डायरेक्ट कर रहे हैं, यू किया यू किया यू किया यू किया, राइट। मगर जो पॉलिटिशियन होता है वो यूं धार को इधर करता है उधर करता है, वो दूसरा बंदा यूं बैठा रहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, राइट। तो अभी अगले जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा इंसान का, तो वो ट्रू पॉलिटिशियन बनता है, जो इधर से उधर करता है उधर के इधर करता है। यस फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब आगे कितना हो क्या होता है, क्योंकि जो अर्णव है ना वो कोशिश बहुत कर रहे हैं इनको गुस्सा दिलाने की, जैसे बोलते हैं आपको तो गुस्सा आ गया, आपने तो बुरा मान लिया, ये सब चाल चल रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। तो आगे देखते हैं, काफी मजेदार है कि क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।